मेरी बच्ची ऐसी है ही नहीं। तू कुछ भी कहती रहे बेटा, मैं तेरा सच जानता हूं। पुलिस ऑफिसर का इतना इमोशनल होना अच्छा नहीं होता। अगर आप चोर को ही साधु समझेंगे तो फिर धोखा ही खाएंगे ना। बस कर, तुझे ये बोलते हुए कितनी परेशानी हो रही है मुझे दिख रहा है। बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तू जो कर रही है संभल के कर, क्योंकि अगर तुझे चोट लगी दर्द मुझे होगा। नहीं नहीं अभीरा, तू इस घर में अरमान के लिए नहीं आई है, अपनी सोई उम्मीदों को मत जगा। तू यहां आई है क्योंकि ना चाहते हुए भी तूने जो शादी का सच छुपाया उसने माँ का दिल बहुत दुखा है। पापा ने तो फिर भी मेरा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं, इसीलिए आज उनका रिश्ता टूटने के कगार पर है। नहीं, कुछ भी करके इन 3 महीनों के खत्म होने से पहले मुझे उनके रिश्ते को और मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरे घर में तुम कितनी चम्मच चीनी कंज्यूम करती हो उस तक का हिसाब तुमने रखा हुआ है। मेरे रिसोर्ट में लगे पैसे तुम सूद समेत लौटाना चाह रही हो और कह रही हो तुम गोल्ड डिगर हो। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें लेने गया था ना, तब तो तुम आई नहीं, तो अब क्यों आई हो? छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। डैमेट, तुम यहां क्यों आई हो? क्योंकि मैं मां और पापा को परेशान नहीं देख सकती। मैं उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने आई। विद्या, तुम्हारा सिंदूर कहां है? रिश्ते को इन्होंने मिटा दिया और रिश्ते की निशानी को मैंने मासा। तुम्हारी वजह से माँ पापा के रिश्ते में पहले ही 100 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर तुमने 101वीं प्रॉब्लम लाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ही बात कितनी बार बोलोगे? तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी कुछ गलत हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मैंने बिगाड़ा है। लेकिन ये सच नहीं है, पर सब ठीक मैं ही करूंगी। अभीरा, तुम मेरे मां और पापा से दूर रहोगी वरना। वरना क्या? चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगी, इसे इंजेक्शन दे दिया है। और कुछ बात हो तो मुझे कॉल कर देना। जी। अरमान, अभीरा, मैं यही हूं तुम्हारे पास। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।